हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वृंदा पटेल इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एच डी स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 3 विच इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो इन द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट बेसिक नोटेशंस ऑफ ग्राफ थियरी and then we will see about graph concepts and definition. So now let's start with introduction of non-linear data structure. So हमने आगे linear data structure के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, array, stack, queue and linked list के बारे में हमने आगे पढ़ा था, right? So जिसमें क्या होता था, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आइटम्स जो होते थे वो सीक्वेंस में अरेंज हुए होते थे, राइट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। सो अभी जिस डेटा स्ट्रक्चर के डेटा आइटम्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में अरेंज नहीं हुए होते, उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता था, डेटा आइटम्स सीक्वेंस में अरेंज होती थी। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आइटम्स सीक्वेंस में अरेंज नहीं हुए होते, राइट। सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है, ट्री आता है एंड ग्राफ आता है, राइट। सो ग्राफ क्या है, ग्राफ नोड एंड नोड के जो एज कनेक्ट करती है, नोड से जो एज कनेक्ट होती है, जो लाइंस कनेक्ट होती है, उसका वो कलेक्शन है। सो ग्राफ इज़ कलेक्शन ऑफ नोड्स, मीन्स इंफॉर्मेशन। नोड्स के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, कोई डेटा होता है। एंड कनेक्टिंग एजिस, लॉजिकल रिलेशन बिटवीन नोड्स, दो नोड है उसके बीच में जो लाइंस होती है उसको क्या बोलेंगे हम, एजेस, राइट, कि जो दो नोड्स को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। एंड अभी देखते हैं ट्री के बारे में। तो ट्री क्या है, ट्री एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसमें मेन रूट नोड होता है और उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं, राइट। रूट नोड होता है, जैसे कि हम एक ट्री का एग्जांपल ले लें, तो ट्री में क्या होता है, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होती है और उसके लीव्स होते हैं। तो मेन ट्री क्या है, उसके अंदर जो पहला एक ब्रांच होती है तो वो क्या हो गया, रूट नोड, और उसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकले, राइट, और उसके जो लीव्स होते हैं उसको क्या कहेंगे हम, चाइल्ड नोड कहेंगे। सो ये हायरार्की को उनके लेवल तक बढ़ाना होता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें एक नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, सो उनकी लूप नहीं हो सकती। हायरार्किकल स्ट्रक्चर वेयर रूट नोड हैव चाइल्ड नोड have and further this hierarchy may be extend up to the required level which are logically connected in such way so there is no loop, means tree एक ऐसा level पर पहुँचता है जहाँ उसकी hierarchy में जो last node होता है वो किसी दूसरे node के साथ connected नहीं होता, last node जो होती है child node उसमें। so these are the basic notations of graph theory. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं। सो कंसिडर दिस डायग्राम। सो हर एक डायग्राम के कुछ पॉइंट्स है, उसके सेट है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो यहाँ पे जो डॉट्स है, मीन्स ये जो सर्कल से यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। सो यहाँ पे हमने उसको, हम कभी कभी उसको लेबल भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे V1 V2, ये क्या है, ये पॉइंट जो है, ये सर्कल है उसका नाम है। सो हर एक सर्कल को हमने यहाँ पे लेबल दिए हैं, मीन्स नेम दिए हैं। सो यहाँ पे नेम कौन से दिए गए हैं, V1 V2 टाइप, या फिर हम 1 2 ऐसा भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4, राइट। सो हर एक डायग्राम में ये जो पॉइंट्स है, मीन्स ये जो सर्कल है, वो कनेक्टेड होते हैं लाइन से या फिर आर्क से, आर्क मीन्स एरो से। सो यहाँ पे हम फिगर ए में देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है V1 एंड V2, राइट, ये एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। फिगर बी में हम देख सकते हैं कि V1 एंड V2 एक आर्क से कनेक्टेड है, मीन्स V1 से V2 का डिरेक्शन है। तो यहाँ पे आर्क है वो स्टार्ट होता है एक V1 से एंड एंड होता है V2 से, दूसरे पॉइंट पे वो ख़त्म होता है।
सो वी वन पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड वी टू पॉइंट में ख़त्म होता है। सो हमने आगे के डायग्राम सभी देखे। सो एवरी डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ ग्राफ्स, वो हमने देखा। सो एवरी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स राइट विच आर नोन एज विच आर शोन बाय डॉट्स और सर्कल्स एंड आर समटाइम्स लेबल्ड वी वन वी टू वी थ्री और वन टू थ्री। सो इन एवरी डायग्राम सर्टेन पेयर ऑफ सच पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय लाइन्स और आर्क्स। सो हियर नॉट दैट एवरी आर्क स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एंड्स एट द अनदर पॉइंट्स। सो नाउ ग्राफ। सो वॉट इज ग्राफ? सो अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट वी कॉल्ड द सेट ऑफ नोड्स विच इंक्लूड्स पॉइंट्स एंड वर्टाइसिस ऑफ द ग्राफ। अ सेट ई विच इज द सेट ऑफ एजिस एंड अ मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ एजिस ई टू अ सेट ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी। सो ग्राफ डोनेट होता है जी से राइट। सो हियर ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट वी। सो वी क्या है? सेट ऑफ नोड्स, जो पॉइंट्स है, जो सर्कल है उसको हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ नोड्स, मीन्स उसे पॉइंट भी कह सकते हैं, वर्टाइसिस भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट वी कहा गया है बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट वी है उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी। देखो ये है एक नोड राइट, मीन्स वर्टाइसिस है, उसके अंदर क्या है? कोई ना कोई वैल्यू है। यहाँ पे वी वन के अंदर कौन सी वैल्यू है? वन। इस सर्कल में कौन सी वैल्यू है? टू। सो वैसे ही यहाँ पे जो नॉन एम्प्टी सेट वी कहा गया है, सो पॉइंट वी है उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसीलिए उसको नॉन एम्प्टी बोला गया है। सो सेट ई क्या है? यहाँ पे सेट ऑफ एजिस, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ एजिस एंड अ मैपिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ एजिस ई टू अ पेयर्स ऑफ एलिमेंट वी। एजिस क्या है? वो एक डायरेक्शन होता है, मीन्स वो एक नोड से नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करती है, जिसको हम लाइन या एरो से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फिगर डी में हम देख सकते हैं कि टोटल फोर नोड्स है राइट, वन टू थ्री एंड फोर। फिगर डी में टोटल फोर नोड्स है, वन टू थ्री एंड फोर, मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर रही है, ये जो एजिस है राइट वो कनेक्ट कर रही है। सो वो एजिस कौन कौन सी है? एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर एंड एक्स फाइव, मीन्स सेट ऑफ एजिस है। टोटल कितनी एज है यहाँ पे? फाइव, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर एंड एक्स फाइव, टोटल फाइव एजिस है राइट। सो इट इज ऑल्सो कन्वीनियंट टू राइट अ ग्राफ एज जी इज इक्वल टू वी ई, मीन्स ग्राफ किससे बनता है? वर्टाइसिस एंड एजिस से। वर्टाइसिस मीन्स वी एंड एजिस आर ई, इट इज डिनोटेड एज ई। सो यहाँ पे नोटिस करें तो ग्राफ की डेफिनेशन में यहाँ पे हमको ये कहती है कि ग्राफ जी की हर एक एज है उनसे हम ग्राफ के नोड्स को जोड़ सकते हैं। ग्राफ के अंदर जो भी एजिस अवेलेबल है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सभी नोड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं राइट। सो इफ एज एक्स बिलोंग्स टू ई इज एसोसिएटेड विथ पेयर्स ऑफ नोड्स यू वी वेयर यू वी बिलोंग्स टू वी, मीन्स ये जो एज वी बिलोंग्स टू ई नोड्स है ये है यू वी के साथ कनेक्टेड होगा राइट, मीन्स वी बिलोंग्स टू वी। सो हम कह सकते हैं कि जो एज है एक्स, हमने जैसे देखा एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, तो एज एक्स है वो यू एंड वी कनेक्टेड है राइट। सो नाउ एडजेसेंट नोड्स। एडजेसेंट नोड्स क्या है? इफ एनी टू नोड्स विच आर कनेक्टेड बाय एन एज इन अ ग्राफ आर कॉल्ड एडजेसेंट नोड्स, यानी कि जो दो नोड्स हैं वो किसी एज के थ्रू
ग्राफ के अंदर कनेक्टेड है, मीन्स जो नोड्स को कनेक्ट करती है उनको क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट नोड्स, राइट। नाउ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एज। सो हियर इन अ ग्राफ जी, हमारा ग्राफ कैसे डिनोट होता है? जी से, जो जी इज इक्वल टू वी ई, वर्टाइस इज एन एज। सो एन एज विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड एज। एक एंड से दूसरे एंड से जो कनेक्टेड हो, यानी वो डायरेक्शन देता है कि वी वन से वी टू तक या वी वन से वी थ्री तक, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड एज। वाइल द एज विच हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड एज। अगर कोई डायरेक्शन हो कि वी वन से वी टू तक का एरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड एज। अगर कोई डायरेक्शन ना हो सो हम क्या बोलेंगे उसको? अनडायरेक्टेड एज। नाउ डायरेक्टेड ग्राफ, उसको क्या बोलेंगे? डी ग्राफ। अ ग्राफ इन विच एवरी एज इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ और डाइग्राफ। यानी कि हर एक नोड से दूसरी सभी नोड्स को या सभी नोड्स के बीच में कोई ना कोई डायरेक्शन दिया होगा कि वी वन वी टू पे जाएगा, वी टू वी फोर पे जाएगा, वी फोर वी सिक्स पे जाएगा, ऐसे। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा? एवरी एज इज अनडायरेक्टेड, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा एज के बीच में, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। नाउ मिक्स्ड ग्राफ, इफ सम ऑफ एजिस आर डायरेक्टेड एंड सम ऑफ आर अनडायरेक्टेड इन ग्राफ, देन द ग्राफ इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्राफ। हम यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि टू से वन तक का डायरेक्शन है, फिर वन और थ्री के बीच में कोई डायरेक्शन नहीं है। टू से थ्री का डायरेक्शन है, टू थ्री में जा रहा है, राइट। फोर टू थ्री का डायरेक्शन है, बट टू और फोर के बीच में कोई डायरेक्शन नहीं है, सो इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्राफ, क्योंकि एजिस आर डायरेक्टेड एंड सम ऑफ एजिस आर अनडायरेक्टेड। नाउ डायरेक्टेड ग्राफ में अनडायरेक्टेड ग्राफ का ये एग्जांपल है, वी वन टू वी टू, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, सो इसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टेड ग्राफ। नाउ लूप, उसको क्या बोलेंगे? स्लिंग। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ग्राफ दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर, जो क्या है? पॉइंट्स है हमारा, ठीक है, उसमें से बहुत सारी एजेस है। सो एन एज ऑफ अ ग्राफ विच जॉइंस अ नोड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ लूप और स्लिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नोड में से जो एज है वो खुद को ही जोड़ रही है वापस से, विच जॉइंस द नोड टू इटसेल्फ, सो इसको क्या बोलेंगे हम? लूप बोलेंगे, उसको दूसरा नाम है उसका स्लिंग, राइट। नाउ द डायरेक्शन ऑफ अ लूप इज नो ऑफ नो सिग्निफिकेंस, सो इट कैन आइदर डायरेक्टेड और एंड अनडायरेक्टेड। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे ये लूप है वो डायरेक्टेड भी होगी और अनडायरेक्टेड भी होगी, ठीक है, उसका वो कंसिडर किया हुआ नहीं होता, सो वो क्या हो सकता है? डायरेक्टेड भी हो सकता है एंड अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। नाउ डिस्टिंक्ट एजिस, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग, राइट। सो इन केस ऑफ डायरेक्टेड एजिस, टू पॉसिबल एजिस बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स विच आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कंसिडर्ड एट डिस्टिंक्ट। यानी कि ये नोड है, ठीक है, ये सेम नोड है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं कि दो नोड है उसमें से दो एजिस है, राइट, उसका पाथ एक ही होना चाहिए पर यहाँ पे दो पाथ्स अवेलेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे? अलग अलग एजिस है, राइट। नोड है तो एक पाथ होगा तो भी चलेगा, दूसरा पाथ होगा ये टू वाला जो पाथ है वो अकेला होगा तो भी चलेगा, पर यहाँ पे दो पाथ दो एजिस अवेलेबल है, सो टू पॉसिबल एजिस बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन, इसके टू से थ्री का डायरेक्शन अलग है और यहाँ पे थ्री से टू का डायरेक्शन अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एजिस। नाउ पैरेलल एजिस, सो इन सम डायरेक्टेड एज वेल एज अनडायरेक्टेड ग्राफ्स वी मे हैव सर्टेन पेयर्स ऑफ नोड जॉइंड बाय मोर देन वन एजिस, सच एजिस आर नोन एज अ पैरेलल एजिस। मीन्स जो
एक ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है या अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है, उसमें डायरेक्शन होगी या नहीं भी हो सकती। सो उसमें क्या होता है, जो नोड्स होती है वो एक दूसरे के साथ एक से ज़्यादा एजेस के साथ कनेक्टेड होती है, राइट। तो उसको क्या कहेंगे हम, पैरेलल एजेस बोलेंगे। यानी कि ये है, सो ये यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है। सो टोटल कितनी एजेस है इसको जो कनेक्ट होती है, 1, 2, 3। सो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल एजेस, राइट। सो सर्टेन पेयर्स ऑफ नोड्स जॉइंड बाय वन और मोर देन वन एजेस, सो सच एजेस आर नोन एज पैरेलल एजेस। नाउ मल्टीग्राफ, सो एनी ग्राफ विच कंटेन्स सम पैरेलल एजेस इज नोन एज अ मल्टीग्राफ। हमने आगे पैरेलल एजेस का डेफिनेशन देखा। सो वो मल्टीग्राफ क्या होगा कि जिसमें पैरेलल एजेस होगी बहुत सारी, उसको क्या कहेंगे हम, मल्टीग्राफ। सो इफ देयर इज नो मोर देन वन एजेस बिटवीन अ पेयर ऑफ नोड्स देन सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी एजेस अवेलेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल एजेस। तो कोई ग्राफ में बहुत सारे पैरेलल एजेस अवेलेबल है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मल्टीग्राफ। बट ये जो है उसमें क्या है, एक सिंपल एक ही एज कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक ही एज कनेक्टेड है। सो ऐसा ग्राफ होगा सिंपल इतने तक का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल ग्राफ, राइट। सो नाउ वेटेड ग्राफ, सो अ ग्राफ इन विच वेट्स आर असाइन टू एवरी एज इज नोन एज वेटेड ग्राफ। जो भी हमने आगे देखा कि पॉइंट्स होते हैं, मींस नोड्स होती है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, और नोड्स के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल होती है। सो जिस ग्राफ के अंदर हम कोई वेट असाइन करते हैं, यानी कि कोई वैल्यू हम असाइन करते हैं उसको, तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो ग्राफ होगा वेटेड ग्राफ। नाउ आइसोलेटेड नोड, सो मीन्स ग्राफ में एक नोड होगा और किसी दूसरे नोड के साइड में नहीं होगा। ग्राफ के अंदर एक ही नोड होगा, वो किसी दूसरे नोड के बाजू में नहीं होगा, साइड में नहीं होगा, वो अलग होगा। सो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड नोड। सो इन अ ग्राफ नोड विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर नोड, किसी अदर कोई नोड के साइड में नहीं होगा, तो उसको वो अलग से एक नोड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड नोड बोलेंगे, राइट। नल ग्राफ, सो अ ग्राफ कंटेनिंग ओनली आइसोलेटेड नोड्स, अ ग्राफ कंटेनिंग ओनली आइसोलेटेड नोड्स आर नोन एज अ नल ग्राफ। इन अदर वर्ड्स, सेट ऑफ एजेस इन नल ग्राफ इज एम्प्टी। नल ग्राफ होगा यानी कि कोई वो अलग नोड होगा, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, सो उसको क्या बोलेंगे हम, नल ग्राफ कहेंगे। नल ग्राफ को हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे तो इट इज एम्प्टी। नाउ फॉर अ गिवन ग्राफ देर इज नो यूनिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द ग्राफ। ग्राफ अगर है उसका कोई यूनिक डायग्राम नहीं होगा तो वो क्या होगा, ग्राफ होगा। मीन्स ग्राफ हम सिंपल एक दूसरे के साथ एजेस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन ऑब्टेन अ वेराइटी ऑफ डायग्राम्स बाय लोकेटिंग द नोड्स इन एन आर्बिटरी नंबर्स। हमने जैसे देखा कि हम नंबर्स भी दे सकते हैं उसको, कोई V1, V2, V3 ऐसा लेबल भी दे सकते हैं। सो फॉलोइंग बोथ डायग्राम्स रिप्रेजेंट द सेम ग्राफ, वन इज इन डिग्री ऑफ नोड एंड सेकेंड वन इज आउट डिग्री ऑफ नोड। सो इन डिग्री में क्या होगा, देर इज नो एजेस विच हैव वी एज देयर टर्मिनल नोड इज नोन एज अ इन डिग्री ऑफ नोड। सो इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी इज द नंबर ऑफ एजेस विच वी आर कमिंग इन टू द वर्टेक्स वी। मीन्स जो एजेस है वो वर्टेक्स वी में जा रही है, अंदर एंटर हो रही है, so, उसको क्या बोलेंगे हम, इन डिग्री ऑफ नोड्स, राइट। द नंबर ऑफ एजेस विच वी हैव वी एज देयर टर्मिनल नोड, टर्मिनल नोड मीन्स इनकमिंग नोड, राइट, उसको क्या बोलेंगे हम, जो जहाँ से वो एंड हो रही है नोड, राइट। अगर V2 में निकल रही है और V1 में
वो एंटर हो रही है नोड, तो उसको क्या बोलेंगे, वी टू पे ख़त्म हो रही है नोड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल नोड, अरे इन डिग्री ऑफ नोड वी। नाउ आउट डिग्री ऑफ नोड, सो आउट डिग्री ऑफ अ नोड मीन्स जो एजिस वर्टेक्स वी है उनमें से बाहर जा रही है, मीन्स द नंबर ऑफ एजिस विच वी हैव वी देयर एज अ इनिशियल नोड इज नोन एज अ आउट डिग्री ऑफ नोड वी। टोटल डिग्री ऑफ नोड इज द सम ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री, सो इट इज नोन एज अ टोटल डिग्री और डिग्री ऑफ वर्टेक्स, जो इनकमिंग एंड आउटकमिंग, जो भी आउट डिग्री एंड इन डिग्री नोड्स है टोटल, उसका सम क्या होगा, टोटल डिग्री ऑफ नोड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है, सो यहाँ पे क्या है, इन डिग्री ऑफ नोड कितनी हुई, 1। अगर अब 1 का देखें सो उसमें कितनी इन डिग्री नोड्स है, सो 1, 2, 3, टोटल 3 राइट। आउट डिग्री नोड कितनी होगी, वो भी 3 होगी, 1 में से 4 में, 1 में से 3 में एंड 1 में से 2 में। यहाँ पे हम एक दूसरा ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, सो 4 में से कितनी इन डिग्री है, 1 में से 4, 2 में से 4 एंड 3 में से 4, सो टोटल 3। नाउ पाथ ऑफ ग्राफ, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ डिसाइड करेंगे ग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द पाथ फ्रॉम 2 टू 4, 2 से 4 तक के पाथ कितने हैं, सो वो हम देखें, P1 मीन्स पाथ 1 इज 2 4, पहला पाथ कौन सा होगा, 2 से 4 तक का राइट, 2 से 4 तक का। नाउ P2, सो P2, सो 2 टू 3 एंड 3 टू 4, वो पाथ 2 हो गया राइट। पाथ 3 कौन सा है, 2 टू 1 एंड 1 टू 4, हमको क्या यहाँ पे जाना है, 2 से 4 तक, सो 2 टू 1 एंड 1 टू 4। पाथ 4 कौन सा हो गया, 2 टू 3, 3 टू 1 एंड 1 टू 4। पाथ 5 कौन सा हुआ, 2 टू 3, 3 टू 2 एंड 2 टू 4। पाथ 6 कौन सा हुआ, 2 टू 2 एंड 2 टू 4, 2 टू 2, वो खुद से खुद में ही है एंड 2 टू 4। सो लेट जी इज इक्वल टू वी ई बी अ सिंपल डायग्राफ सच दैट द टर्मिनल नोड ऑफ एनी एज इन द सिक्वेंस इन द इनिशियल नोड ऑफ द एज इफ एनी अपेयरिंग नेक्स्ट इन द सिक्वेंस डिफाइंड एज अ पाथ ऑफ ग्राफ। ये जो पूरा हमने अभी देखा एग्जाम्पल, तो इसको क्या कहेंगे हम, पाथ ऑफ ग्राफ, क्यों, क्योंकि इसमें टर्मिनल नोड है वो उसकी सीक्वेंस होती है, यानी कि हमने यहाँ पे सीक्वेंस में देखा, ठीक है, 2 से 3 से 3 से 4 तक, फिर 2 से 1, 1 टू 4, सो ये जा रही सीक्वेंस है, सो उसको क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे पाथ ऑफ द ग्राफ। सो लेंथ ऑफ पाथ, सो द नंबर ऑफ एजेस अपियरिंग इन द सीक्वेंस ऑफ द पाथ इज नोन एज द लेंथ ऑफ पाथ, मीन्स नंबर ऑफ एजेस, टोटल एजेस कितनी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो यहाँ पे क्या है कि जो टोटल एजेस यूज हुई है इस पाथ को डिफाइन करने में, सो वो टोटल नंबर ऑफ जो लेंथ है पाथ की, उसको क्या कहेंगे हम, लेंथ ऑफ पाथ, जो सीक्वेंस हमने यूज की उसको क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ पाथ। नाउ सिंपल पाथ मीन्स उसको क्या बोलेंगे, एज सिंपल, सो पाथ इन अ डायग्राफ इन विच द एजेस आर डिस्टिंक्ट इज नॉन एज अ सिंपल पाथ और एज ग्राफ, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही एज का यूज होता है, बहुत सारी एजेस यूज नहीं होती, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो है इतना, अगर हम ये सारी एजेस निकाल दें यहाँ पे, सो 1, 2, 3, 4 के बीच में जो सिंपल एजेस हैं उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल पाथ राइट। सो पाथ P5, P6 आर सिंपल पाथ्स। P5 क्या है, 2 2 3, 3 2
पाथ पी फाइव कौन सा है, 223, 322 एंड 224। सो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल पाथ बोलेंगे, राइट। एंड अनदर वन इज P6 सिंपल पाथ कैसे हुआ, 222 एंड 224, यानी कि दो नोड के बीच में ही, या ज़्यादा से ज़्यादा तीन नोड, राइट, उसके बीच में ही ये पाथ का जो कनेक्शन है हुआ है। नाउ एलिमेंट्री पाथ मीन्स नोड सिंपल, उसको क्या बोलेंगे, नोड सिंपल। सो पाथ इन विच ऑल द नोड्स थ्रू विच इट ट्रैवर्सेस आर डिस्टिंक्ट इज नोन एज अ एलिमेंट्री पाथ, मीन्स ऑल द नोड्स थ्रू विच इज ट्रैवर्स, जिस नोड के थ्रू वो ट्रैवर्स हुआ है, ट्रैवर्स हुआ है मीन्स जो वो जिस जिस नोड से वो गुजरा है, राइट, वो वहाँ से निकला है, देट आर डिस्टिंक्ट मीन्स वो अलग अलग पाथ है, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पाथ। द एग्जाम्पल इज पाथ P1, P2, P3 एंड P4। P1 इज 224, सिंपल। P2 इज 223, 324, ठीक है। सो वो नोड किसके नोड के थ्रू गया है, वो 3 से, राइट। नाउ P3 इज 221 एंड 124, सो वो कहाँ से निकला, 1, पर उसका जो एजिस है वो डिफरेंट है वो, एंड P4 223, 321 एंड 124, वो अलग अलग नोड से होके वो डेस्टिनेशन तक पहुँचा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पाथ। बट पाथ P5 एंड P6 आर सिंपल बट नॉट एलिमेंट्री, क्योंकि वो 2 to 2 में ही जा रहा है और 3 से 2 में जा रहा है, राइट। सो वो क्या हुआ, एलिमेंट्री, अरे सिंपल पाथ बट नॉट एलिमेंट्री। नाउ साइकिल सर्किट, अ पाथ विच ओरिजिनेट्स एंड एंड्स इन द सेम नोड इज नोन एज अ साइकिल मीन्स सर्किट, मीन्स वो क्या होता है, एक ही नोड पे शुरू होता है और एक ही नोड पे ख़त्म होता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है 2, सो ये क्या हुआ, 2 में से निकला, 2 में एंटर हुआ, राइट। सो इसको क्या, यहाँ पे 3 में से 2 में और 2 में से वापस 3 में, सो उसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक पाथ, साइकिल सर्किट, राइट। सो फॉर एग्जांपल C1 इज इक्वल टू 2, 2, यानी कि 2 में से 2 में गया, फिर C2 1, 2, 2 एंड 2, 2, 1, C3 इज 2, 2, 3, 3, 2, 1 एंड 1, 2, 2, वापस से वो वहीं पे जा रहा है, 2, 2, 2 में जा रहा है, वह वहाँ 1 में से निकला, 2 में गया, फिर 2 में से निकल के 1 में वापस आया, यहाँ से 2, 2, 3, 3, 2, 1 एंड 1 से वापस 2। सो ये क्या हुआ, साइकिल। नाउ ए साइक्लिक ग्राफ मीन्स जो साइक्लिक पाथ, साइक्लिक सर्किट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, ए साइक्लिक डायग्राफ, सिंपल डायग्राफ विच डज नॉट हैव एनी साइकिल इज नोन एज अ साइक्लिक डायग्राफ। थैंक यू।